इस केक को देखकर आपको लग रहा है कि ये केक सिर्फ 100 से 125 रुपए में बनकर तैयार हुआ होगा और बहुत ही आसानी से बिना अवन के घर में इस केक को हम बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, घर में बच्चे आए हुए होते हैं, ऐसे में केक का होना तो बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चों को तो पसंद आता ही है, बड़ों को भी बेहद पसंद आता है, तो चलिए इस सस्ते से केक को घर में बना लेते हैं। इस केक को पूरा करते हैं जो मैं अभी पहले बना चुकी हूँ, और इस केक को मैंने कैसे बनाया है वो भी बताती हूँ। आइसिंग किया हुआ केक लगभग काफी महंगा मिलता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 7 से 8 इंच का टिन को तैयार करना होगा, मतलब उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर तैयार कर दीजिए, और बटर पेपर है तो बटर पेपर को कट करके नीचे लगा लीजिए। बटर पेपर नहीं है तो हमेशा की तरह मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा सा मैदा छिड़क के एक तरफ इसकी तैयारी करके रख दीजिए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये होता है कि अक्सर अगर आप ओवन में बना रहे हो तो उसे प्रीहीट कर दीजिए। जब तक हमारा केक तैयार हो जाएगा वो प्रीहीट हो जाएगा। 180 डिग्री पर आप 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर दीजिए। अगर आप ओवन में नहीं बना रहे, मेरी तरह बना रहे हैं गैस पे, तो जो भी बर्तन में आप बनाना चाह रहे उसे भी आप मीडियम गैस पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। मैं तो नीचे एक जाली ही रख देती हूँ, मेरा काम आसान हो जाता है। तो चलिए केक के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले 1 कप पानी चाहिए जिसे मैं हल्का गुनगुना कर रही हूँ। इस गुनगुने पानी में 1 टीस्पून या 1 सैशे जो आता है ना पाउच कॉफी का, वो डालकर एक तरफ अलग करके रख दीजिए। कॉफी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दूध नहीं भी हो तो हमारा पानी से भी ये केक बनकर तैयार हो जाता है। अब एक बड़ा सा बोल लेते हैं जिसमें 1/4 कप ऑयल डालते हैं, प्लस इसमें 1 कप पिसी चीनी डालते हैं। नॉर्मल चीनी जो हमारे घर में आती है ना, उसे पीस कर छान लीजिए। 1 कप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, या फिर कप जो भी आपके पास है उसको आप इसमें डालकर मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें जो गर्म किया हुआ कॉफी का 1 कप पानी था वो डालकर मिक्स कीजिए। आप देखिए कितनी बढ़िया झाग सी हो रही है ना कॉफी की वजह से। अब इसी बर्तन के ऊपर एक छन्नी रखिए। 1.5 कप चाहिए हमें मैदा, 1.5, मतलब एक पूरा भर लीजिए और आधा भर लीजिए। 1.5 कप चाहिए मैदा, 2 टेबल स्पून चाहिए कोको पाउडर। कोको पाउडर ना हो तो हमेशा मैं आपको समझाती हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो 2 टेबल स्पून आप मैदा ही ऐड कर लीजिए, कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिए, कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लीजिए। जो बिस्किट खाते हैं ना कोई भी चॉकलेट का, उसे ग्राइंड करके बारीक छान लीजिए, वो भी आप डाल सकते हो। 2 टेबल स्पून ही चाहिए, इससे ज्यादा लालच ना करें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए। दोनों को डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सोडा ज्यादा डालते हैं तो कोई भी चीज कड़वी हो जाती है। हमें बस हल्का सा उसे इफेक्ट देना है, रिएक्ट करने के लिए सोडा चाहिए, बाकी बेकिंग के लिए हमें बेकिंग पाउडर ही चाहिए। अब यहाँ पर सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं 2 या 3 टेबल स्पून दूध डाल के इसे ठीक कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ भी आप पानी डालकर ठीक कर सकते हैं। लास्ट में मुझे 1 टेबल स्पून में विनेगर यूज करना है, जिससे बहुत स्पॉन्जी बने, बहुत ही बढ़िया केक बने, जालीदार बने। अब ये विनेगर डालने के बाद तो बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट बनेगा ही। सारी चीजों को मिक्स करके बढ़िया सा उस टिन में डालकर बेक करने के लिए रख दीजिए। 30 से 35 मिनट के लिए आप इसे स्लो गैस पर रखिए, मतलब जो मैंने प्री हीट किया हुआ है ना पतीला, उसमें बस डालने के बाद 1 मिनट फुल गैस पर चलना चाहिए, जो मीडियम या फुल जो भी आप गर्म कर रहे थे, उसके बाद बिल्कुल लो कर दीजिए गैस। क्योंकि 1 मिनट हम लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा, क्योंकि ना थोड़ा जो हमने बर्तन रखा है उस पर हीट मिलनी चाहिए। अगर ओवन में रखा है तो उसमें भी आप 25 से 30 मिनट के लिए रखिए। जब ये बेक हो रहा है तब तक हमें कुछ और काम करना है, क्योंकि हम इस केक को आइसिंग वाला बना रहे हैं। तो चलिए बहुत ही सरल तरीका बताती हूँ इसकी आइसिंग करने का। 100 ग्राम हम लेते हैं डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को बारीक कट कर लीजिए और एक बर्तन में डाल लीजिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप जानते ही होंगे कि उसे कैसे माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं। माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पतीले में छोटे से बर्तन में पानी गर्म करने रख दीजिए। पानी जब उबले तब इसको आप रख दीजिए और इसमें डाल दीजिए 100 ml व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम फ्रेश क्रीम से बहुत सस्ती मिलती है, मतलब आधे रेट में मिलती है, तो मैं तो हमेशा इसमें व्हिप्ड क्रीम डालती हूँ। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, उसे आप
100 ml या उससे भी कम भी डाल सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम जो है हम एक बार ला के रखते हैं, थोड़ी थोड़ी यूज़ करते हैं, ख़राब भी नहीं होती। फ्रेश क्रीम डब्बा खोलने के बाद 2 दिन में ख़राब हो जाती है और महंगी भी बहुत आती है। ये चॉइस आपकी है, आप क्या डालना चाह रहे हैं। दोनों को मेल्ट करके बहुत बढ़िया इस तरीके से मिश्रण ये गनाश तैयार हो गया है। अब हमें इसे पोरिंग कंसिस्टेंसी में ये तैयार हुआ है, मतलब पोर करना है तो ये तो बेस्ट है। अगर हमें पोरिंग नहीं, हमें स्प्रेड करना है, मतलब डिजाइन भी देनी है केक पर, तो आप इसे ढककर इस तरीके से फ्रिज में रख दीजिए 1/2 घंटे के लिए। चलिए 30 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेते हैं। केक बन गया है तो गैस बंद कर लेते हैं। लीजिए केक तो बिल्कुल तैयार है, गैस बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद हम डीमोल्ड करेंगे। मैं इसे डीमोल्ड कर देती हूँ, लेकिन हल्का अभी गर्म है ऊपर से, जिसकी वजह से डीमोल्ड करते हुए ऊपर की लेयर थोड़ी सी निकल गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। इससे आपको ये भी दिख रहा है कितना जालीदार केक है, बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप चाय के साथ इसका एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, उस बजट फ्रेंडली केक के लिए हम ये केक के लिए जो चॉकलेट गनाश बनाया ना, वो बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी में तैयार हो गया है। इसे इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। मैं बीच में कट करके क्रीम इसलिए नहीं लगा रही, जिससे क्या होगा ना, हमारी मेहनत भी कम होती है और पैसे भी कम लगते हैं। मतलब अंदर अगर भरेंगे तो खूब सारी क्रीम लगेगी, ऐसे अंदर नहीं भरेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर लगाएंगे तो कम पैसों में ही हमारा काम हो जाएगा। मैंने तो अंदर नहीं भरा, आप चाहें तो अंदर भी कट करके आप केक को अंदर क्रीम लगा सकते हो। तो चलिए इस केक को हमने ऊपर से सब तरफ से स्प्रेड कर दिया है। अब जो बचा हुआ क्रीम है उसको, चॉकलेट क्रीम जो गनाश हमारा बचा है, उसे एक कोन में डालते हैं। आपके पास कोन ना हो तो दूध की थैली कोई भी आप ले सकते हो, उसमें नोजल डाल दीजिए, बहुत सिंपल सा नोजल है। अगर आपके पास दूध की थैली है उसमें डाल सकते हो। इस तरीके से सिंपल सी डिजाइन बना कर आप एक बढ़िया सा महंगा सा केक घर में ही तैयार कर सकते हो। देखिए मैंने कैसे किया, पहले वाले केक में थोड़ा सा अलग किया, बिस्किट्स कोई साइड से लगा दिया क्योंकि क्रीम कम थी, अभी वाले में क्रीम ज्यादा है तो मैं साइड से ही थोड़ी क्रीम लगा रही हूँ। तो इस तरीके से कम मेहनत में, कम खर्चे में हमारा बढ़िया सा केक बनकर तैयार है। घर में अगर किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, तो महंगा केक लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से केक बनाइए। आप इन छोटे छोटे ट्रिक्स को यदि देखते हैं ना, समझते हैं, तो अपने घर में परफेक्ट चीज को बना सकते हैं। यही तो मैं चाहती हूँ, आप घर में बहुत ही परफेक्ट बनाएं, बच्चों को खुश करें, फैमिली को खुश करें और इंजॉय करें। ये सस्ता सा केक बनाने का आसान तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।